ये मुझे गोल गोल घुमा रहा है, देख सकते हैं आप। सिया मारना मत, गिरेगा 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 मत कर। श्रेयस झूलने दे। ओके अच्छा पूरा वीडियो बनाना है। आगे देखो श्रेयस गिरेगा। बाय बाय ओके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब हो? आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। अभी बज रहे 6:30 और मैं बना रही हूँ चाय, और ये चाय जो है लगभग बन चुकी है। थोड़ा सा और इसको पकने देते हैं। और आप देख सकते हैं रात में बारिश हो गई अचानक, यार यहाँ गेहूँ कटने के लिए तैयार है और मौसम ऐसा हो रहा है, कैसे कटेंगे गेहूँ? खाली बे टाइम की बारिश, अभी तो चाहिए भी नहीं थी। तो मैं चाय लेके जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ अभी दिखाती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय लेके आई हूँ आपके लिए। और ये सिया ने नहा लिया है। मामी चाय लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? तो सिया आप सुबह सुबह क्यों नहा लिया आज आपने, बताना चाहेंगे आप? आज मैं जा रही हूँ, बोलो। आज मैं पूना जा रही हूँ, बोलो। आपको दीदी की याद आएगी है? कितने आएगी? बहुत आएगी है? अब ट्यूशन कौन पढ़ाएगा फिर सिया को? मैं कैसे पढ़ाऊंगी यार? सब नहा धो के तैयार हो गए और ये थुपड़ी सोई है। और आप देख सकते हैं श्रिया मैडम ने तो पूजा भी कर ली। ओ ओ गिर गया गिर गया गिर गया। जाओ जाओ झूला झूल के जाओ। चलो झूला झूल ले। बस हो गया, नींद खुल गई उसकी, वापस ले आओ। गुड मॉर्निंग। तो हमने श्रेयांश के साथ स्कैम कर दिया है, झूले के बहाने इसको उठा दिया हमने। और ये मामा लोगों ने अपना सामान रेडी कर दिया है सारा का सारा। और ये सिया को मेडल मिला है क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आई है। और मामा मामी आए थे अभी नाश्ता करने इधर। अरे हम रास्ते फोन आ गया और हमने इनका सामान पैक कर दिया है, रास्ते के लिए नाश्ता रख दिया है। अरे मठा, और ये मठा कुछ बना लेना तो। अरे रहने दो। और ये मामी मुझे पैसे दे रही। ये मम्मी खीरा दे रही, खीरा और नमक दे रही रास्ते में खाएंगे करके, क्योंकि लंबा सफर है इसलिए हमने खाना बना के सब कुछ देख सकते हैं आप, पूरा पैक करके दे दिया है। दीदी परसों पहुंचेंगे। हाँ हाँ रुक जा रुक जा, पीठा लगा रही हूँ। सिया 50-50
वैसे खुश रहते हैं। चलो मन इसकी मन की हुई नाराजगी ज्यादा ही होगी लग रहा है। ये तो जाते तक गैंग गैंग करते रहेगा। बीच में बैठो बेटा, ठीक है फिर। हाँ चलो फिर, हाँ बैठो, ठीक है। और घर से विदा लेके आ गए, मैं और पापा जा रहे हैं मामा लोगों को स्टेशन तक छोड़ने। और अब श्रेयांश बहुत खुश है, बस वहाँ जब लोग मिल रहे थे तब रो रहा था, बस गाड़ी में बैठ के खुश है। और यहाँ पे छोटी मामी से मिलने आ गए हैं। इधर आशिया तो इधर बैठ, शिया इधर आ जा। लो बेटा चिज्जी लेना। हाँ एक बैग तो इन दोनों ने ही पहुंचा दिया। हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मामा लोग की जो ट्रेन है वो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो हम ऊपर से जाएंगे उधर लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पर। देख सकते हैं गाइस कितना सारा सामान ले जा रही हूँ मैं। अच्छा इतना भी नहीं है, दो तो बैग है। ची ये तो मैं भी उठा देती, दो बैग है वो उसमें भी। तो ये बच्चे घर से नाश्ता तो किया नहीं इन्होंने, सब समझ गई मैं, इसीलिए नहीं कर रही थी। मम्मी चिप्स दे दो। और फाइनली इतना देर वेट करने के बाद ट्रेन आ चुकी है। D3 ये रही। Ah,
क्या लड़ना है, तुम ये आ जाएगा भी है। कैसा लग रहा है सिया? वो ट्रेन चलने लग गई पापा। चलो फिर मामा पहला। ठीक है सिया है? मामा पहला। जीतरा ओए छोटू। चलो चलो यार मामी। चल चल चल। बाय बाय। तो हम लोग आ गए हैं मामा लोग को स्टेशन छोड़ के, और उनकी ट्रेन जो है अभी निकल चुकी है दिल्ली के लिए। मामा लोग अभी जा रहे हैं दिल्ली, फिर वहाँ से मामा लोग जाएंगे पुणे। तो मामा मामी को साथ ही लेके गए हैं क्योंकि मामा की पोस्टिंग जो है वो पुणे में है और उनको वहाँ क्वार्टर मिल गया है, तो अब से वो लोग वहीं रहेंगे। आज मुझे बुआ के वहाँ भिटोल भी जाना है, बुआ को भिटोल देने। तो मम्मी अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही है, मतलब आटा वाटा गूंथ रही है, फिर उसके बाद हम लोग पूरियाँ बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं भट की पूरी, और हम बनाएंगे चूल्हे में क्योंकि चूल्हे में जो है जल्दी बन जाती है पूरियाँ, इसीलिए। तो मम्मी ने पूरियाँ रख दी हैं, ये पूरियाँ मैं लेके जाऊंगी भिटोली के लिए। तो भिटोली का बैग हो गया है रेडी, अब मैं चलती हूँ बुआ के घर को। तो अब मैं जा रही हूँ बुआ के घर भिटोली देने, और ये आज हमारे नए जो पड़ोसी हैं उनके लेंटर पड़ रहा है घर पे। और मैं आ गई बुआ का बिटोला लेके। इंतजार हो रहा है बुआ पहला जी तेरे ना। और ठीक हो? ठीक है, ठीक। तो अब मीनू जा रही है भिटोली की पूरियां बांटने, और मैं इसके साथ जा रही हूँ। देखो गाइस, मैं कितनी दूर से आई थी, कितनी दूर से आई थी मैं भिटोली लेके, और इतनी दूर आई थी मैं। मेहमान को जाने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन मेहमान तो उठ ही नहीं है। उठ जा, आराम से जाऊंगी। और बाहर का मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, देख ही नहीं रहा। सोने से पहले खाया, उठने के बाद खाया, खाया खाया खाया, बीच में कुछ नहीं किया, सोया सोया गाइस ऐसे मिल गए। अरे देखो पकड़ना, तो ये तो अच्छी तरह पकड़। अभी दिखा रहा हूँ कि पहले मना कर दे फिर ले लेते। हमें बचपन से सिखाया जाता है ऐसे चट नहीं पकड़ने, पैसे पहले मना करना होता है। नहीं 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 करना होता है ना। अब मैं सीधा पकड़ लेती हूँ। अब भिटोली का टाइम आ चुका है, मतलब घर जाने का। बारिश भी आ गई, अब पता नहीं कैसे जाएगी ये गाड़ी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। माय गॉड, अब क्या होगा। मैं घर पहुंच गया, ये गेट खोलना पड़ा था। चलो मेरे, बाय बाय।
अभी धीरे जा जा अब कल अभी आते थोड़ी देर जो मैं उन्हें बोला। तो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ बिटौली से और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पीछे कितने काले बादल आ गए और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ब्लॉग और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।